फ्रेंड्स, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको देने वाला हूँ गणेश चतुर्थी की वायरल स्क्रिप्ट, टॉप 3 वायरल स्क्रिप्ट, जहाँ से आप उसमें एड नेटवर्क कैसे यूज़ करना है, कैसे आप गूगल एडसन की एड लगाएंगे। आपको मैं इसमें फुल प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे आपको स्क्रिप्ट में एडिटिंग करनी है, कैसे आप ब्लॉगर पे होस्ट करेंगे एंड कैसे आप वर्डप्रेस पर होस्ट करेंगे। मैं आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊँगा कि आपको हर एक चीज़ को कैसे एडिटिंग करना है। आप अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको हर एक आप स्टेटस डिज़ाइन कर सकते हैं, हर एक इमेज का आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, इमेज को एडिट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ, इसीलिए रेड कलर की बटन है जो सब्सक्राइब करा है, बेल आइकन को ही प्रेस कर, इस बात में मोटिवेट करने के लिए लाइक तो बनती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। जय हिंद, जय भारत। रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब की बटन पर प्रेस करें, घंटे की बटन पर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, आगे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। आपके इंटर सामने आपके सामने एक वायरल स्क्रिप्ट दिख रही है, हैप्पी गणेश चतुर्थी से रिलेटेड। ये देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है और आपको अदर यूजर पे आप अपने फैमिली मेंबर को या अदर अपने फ्रेंडशिप को सेंड कर सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ और इंटर पर क्लिक करता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। वायरल स्क्रिप्ट है ये, इसमें आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऐड करना है, कैसे एडिटिंग करना है, ऑडियो को कैसे आपको बैकग्राउंड पे लगाना है एंड आपको ब्लॉगर पे ऑडियो को कैसे होस्ट करना है, मैं उसकी वीडियो आपको आई बटन पे दे दूंगा। आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आप ब्लॉगर पे भी अपनी सॉन्ग को अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उस पे ब्लॉगर पे प्री डिफाइन ऑडियो होस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं। ये थीम से फ्रेंड्स, इसमें आपका टाइमिंग काउंटिंग हो रहा है। मैसेज वायरल 3 स्क्रिप्ट लेके आया हूँ गणेश चतुर्थी से रिलेटेड। आपको इसमें काफी सारी एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज एडिटिंग कर सकते हैं एंड मैं आपको साउंड बैकग्राउंड साउंड को आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, ये आपके बैकग्राउंड पे आप आ जाएगी। जब आप मोबाइल पे आप लॉगिन करोगे, आप अपना नाम मिटा डालोगे तो फ्रेंड्स, जब आपका पेज पूरा रीलोड कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ये वॉइस साउंड आपका बजने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, आपका ये साउंड प्ले हो जाएगा। आप यहाँ से इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप अपनी शेयर लिंक को कैसे चेंज करना है मैं आपको सब कस्टम करके बताऊंगा। आपको ब्लॉगर पे कैसे होस्ट करना है, थ्री गणेश चतुर्थी स्क्रिप्ट से एंड आपको कैसे ऐड करना है, कैसे कौन सा ऐड नेटवर्क यूज करना है, आपको सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार और बोल रहा हूँ, मैं ऐसी नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। तो इसलिए रन टेक्निकल की जो रेड कलर की बटन है उसको प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। ये आपके सामने इंटरफेस हो रहा है, मैं इसका आपको कैसे ब्लॉगर पोस्ट करना है आपको वो बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप ब्लॉगर पे अलग थीम्स को यूज करते हैं तो ये आपको एरर देगा, आपको कभी वो एरर सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं आपको कैसे आपको फिक्स करना है, कैसे आप ब्लॉगर पे होस्ट करेंगे, आपको सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया। ओके फ्रेंड्स, आपको कैसे नई बार को चेंज करना है आपके सामने ये इंटरफेस, प्रॉपर आपकी थीम प्रोफेशनली लगेगी एंड यूजर मोबाइल फ्रेंडली रहेगी। ये देखो फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अब आपको सबसे पहले अपने क्रोम पर जाना है। क्रोम पर अपना ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये ब्लॉगर अकाउंट है, मैं यहाँ पे अपना एक न्यू ब्लॉग क्रिएट करता हूँ, टाइटल रखता हूँ गणेश जी स्क्रिप्ट। फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा है
चूज यूआरएल फॉर ब्लॉक, आपका यूआरएल ब्लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गणेश जी। ओके फ्रेंड्स, आपको एंटर करना है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वन। ओके फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पर सेव करना है इसको, तो ये आपका एड्रेस बन जाएगा, यूआरएल का एड्रेस। आप इसको भी चेंजेस कर सकते हैं, वो कैसे आपको चेंजेस करना है मैं उसकी वीडियो आपको आई बटन पे दे दूंगा, उसमें फुल ब्लॉगर न्यू इंटरफेस को आपको कैसे यूज करना है उससे आप वीडियो देखकर यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया जी मेरा गणेश, से अपना इंस्टॉल करना है आपको, यहाँ पर थीम्स पर क्लिक करना है, आपको इसमें से किसी थीम्स का यूज नहीं करना है। आपको नीचे आना है और नीचे आना है एंड आपको इस थीम पर क्लिक करना है, इस थीम को अप्लाई करना है एंड गो टू करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ लिख गया न्यू थीम्स, इसको नेक्स्ट ऊपर जाना है, आपको यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, मोबाइल सेटिंग पर क्लिक करना है, आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप को सेव करना है और सेव एज पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, स्विच टू फर्स्ट जनरेशन क्लासिकल थीम्स पर क्लिक करना है, स्विच विथ अबाउट बैकअप मोबाइल पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, ये आपका कंप्लीटेड हो गया। अब मैं यहाँ पे ब्लू ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने इंटरफेस हो रहा है। अब आपको इसमें अपनी जो स्क्रिप्ट है इसको इंस्टॉल करना है, कैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे आपको सब बताऊंगा मैं। यहाँ पर आपको थ्री डॉट, यहाँ पर आपको एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करना है। आप अपने जब ये देखो फ्रेंड्स, आप ये एचटीएमएल एडिटर है नोट प्लस प्लस, आप किसी भी एचटीएमएल एडिटर को यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं थ्री पॉपुलर गणेश चतुर्थी स्क्रिप्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। और ओके फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, आपको इसमें अब इसमें क्या क्या चेंजेस करना आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका आप बैकग्राउंड इमेज, आप यहाँ से बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ फाइंड ऑडियो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से आप ऑडियो को भी चेंज कर सकते हैं, आप ऑडियो का एड्रेस चेंज कर सकते हैं। आप जब आप अलग डाउनलोडिंग वेबसाइट पे जाके वहां से कॉपी पेस्ट कॉपी करके लिंक को आप यहाँ पर पेस्ट करके आप यूज कर सकते हैं, या तो आप मेरी आई बटन पर लिंक है कि आपको ब्लॉगर पे ऑडियो फाइल को कैसे होस्ट करना है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट करना है, तो आपका वो सॉन्ग रिप्लेस हो जाएगा और आपका वो जो आपने कॉपी पेस्ट किया वो सॉन्ग आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया आपका साउंड का। अब आता है मेन पॉइंट, जो कोई भी आपका यूट्यूबर नहीं बताएगा कि आपको वो चेंजेस करना है। क्या करता है कि आपको कोई भी स्क्रिप्ट दे देता है फ्री में, आपको प्रीमियम थीम प्रोवाइड करता है। जब आप किसी भी उस थीम्स को व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो आपका यूआरएल शेयर नहीं होता, वो उस बंदे का यूआरएल शेयर होता है जो उस बंदे ने आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की है फ्री में। अब मैं उसको कैसे चेंजेस करना मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो कोड है जहां से आपको चेंजेस करना है, जो भी आप अपनी स्क्रिप्ट को वायरल करेंगे, आपका अपनी फैमिली मेंबर को एंड अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे, तो आपको अपनी यूआरएल को सेंड करना है, ना कि अपन जहां से आपने स्क्रिप्ट को लिया है वहां से आपको शेयर करना है। क्या होता है, काफी ब्लॉगर जो भी यूट्यूबर रहता है वो अपना थीम तो दे देता है फ्री में, जब आप उसका यूआरएल चेंज नहीं कर सकते तो उसमें आपका नहीं, वो उस ब्लॉगर जिसने आपको थीम प्रोवाइड किया उसका फायदा हो जाता है, उसका एड रन होती है, उसका स्क्रिप्ट वायरल होता है, उसका स्क्रिप्ट से अर्निंग उसकी ग्रोथ होती है। तो आपको यहां से उसको चेंजेस करना है। कैसे चेंजेस करना है, मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, आपको इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बैक जाना है, यहाँ पर आपको व्यू ब्लॉक पर क्लिक करना है और इस यूआरएल को आपको कॉपी करना है, जहां जिस आपने यूआरएल को क्रिएट किया उसको यूआरएल को कॉपी करना है। आपको नोट प्लस प्लस पे आना है, आप यहाँ से पूरा
स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। देखो एन आपके खा अब मैं आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा है। आप यहाँ से भी सब कुछ चेंजेस कर सकते हैं। आपको लिंक कैसे चेंजेस करना मैं आपको ये बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से आपको ये लिंक चेंज करना है, इसको कॉपी करना है और आपको अपनी लिंक पेस्ट करना है, इसको कट करना है और सेव करना है। ओके फ्रेंड्स, आप चेक कर सकते हैं आपका यूआरएल यूनिक है, सही है कि नहीं, रॉन्ग तो नहीं लिख गया। आपको पूरा कॉमा एंड स्लैश बार आपको कम्प्लीटली देखना है। ओके फ्रेंड्स, आपको फिर सेव पर क्लिक करना है। आप ऐसे करके आप यूआरएल, आपने शेयरिंग यूआरएल तो चेंजेस कर लिया, आप इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि फेसबुक शेयरिंग तो नहीं, आप फेसबुक में भी जाके चेक कर सकते हैं। नहीं, इसमें ओनली आप व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको सेव करना। आप वन बाय वन सभी थी इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। आप इस इमेज को चेंजेस कर सकते हैं, इसमें आप और एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। एंड ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया कि आपको ब्लॉगर को कैसे होस्ट करना, कैसे आपको एडिटिंग करना, कैसे आपको यूनिक यूआरएल को एडिटिंग करना, जो भी आप वायरल करोगे तो आपका यूआरएल सेंड होगा, कैसे आप अदर यूआरएल को यूज नहीं करोगे। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया कम्प्लीटली। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको एड कैसे लगाना है, कैसे आप एडमो के एड यूज कर सकते हैं, इसमें गूगल एडसन की भी एड यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको रिटर्न जाना है नोट प्लस प्लस पे, यहाँ पे आपको कंट्रोल एफ करना है। यहाँ से आप फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कंट्रोल एफ करना है और आपको डालना है एड्स। तो आपको कहाँ कहाँ एड्स का कोस्ट पेस्ट करना है गूगल एडसन का, एंड गूगल एडसन का कोड ही पेस्ट कर सकते हैं। आप अदर एड नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, जैसे आप, मैं उसकी वीडियो भी आपको आई बटन पे दे दूंगा आपको कौन कौन से एड नेटवर्क है जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आप 10 मिनट के अंदर उसमें अप्रूवल लेके आप उसकी एड यूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिंक वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आपको उस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है जो सेंटर में आएगा, आपको यहाँ लिखा एडसन कोड हेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एड्स। ओके फ्रेंड्स, आपको बैनर एड यूज नहीं करना, आपको कभी फिक्स एड यूज नहीं करना कि आपने एक फिक्स एड क्रिएट कर ली, उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, आपका जो मोबाइल फ्रेंडली स्क्रिप्ट है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए रिस्पॉन्सिव एड यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये हो गया, आपको कंट्रोल एफ करना है, एड पर एड्स पर क्लिक करना। ये देखो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक यहाँ पर यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे एड लगा सकते हैं इसमें। ये देखो फ्रेंड्स, इसमें काफी सारी एड लगा सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, काफी सारी एड नेटवर्क का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको एड कैसे कॉपी पेस्ट करना है, आप वहां से मेरी आई बटन पे लिंक है, आप वहां से भी वीडियो देख सकते हैं कि आपको कैसे अपनी रिस्पॉन्सिव एड्स को क्रिएट करना है और आपको इस कोड को यहां पर पेस्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको ये उसकी वीडियो दे दूंगा कि आपको एडमो का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, आप विथ अबाउट यूजिंग ऐप के थ्रू भी आप एडमो का एड यूज कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा। आपका ये कंप्लीटेड हो गया, आपको इसको कंट्रोल लेकर के कंट्रोल सी करना है। फिर आपको यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करना है, उस कोड को यहाँ पर कंट्रोल लेकर के कंट्रोल वी पे पेस्ट करना है और सेव एज पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया। आप यहाँ से बैक करेंगे, यहाँ से आप व्यू ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स,
ये देखो फ्रेंड, इसमें अभी बैकग्राउंड इमेज ऐड नहीं हुई, तो मैं इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ कैसे आपको बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको जाना है एडिट एचटीएमएल पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो भी आपको इमेज यूज करना है आप उसका कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहाँ पर आपको सेव कॉपी करके पेस्ट करना है। आप पहले इमेज को ब्लॉगर पे होस्ट करेंगे, उसके बाद उसका कॉपी लिंक एड्रेस को कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपडेट सक्सेसफुल हो गया। इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, बैकग्राउंड चेंजेस हो गया, बैकग्राउंड इमेज चेंजेस हो गई। ये देखो फ्रेंड्स, अब ये को आप इस नेवी बार को आपको हाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, अब इस नेवी बार को हाइड करते हैं। आपको यहाँ से बैक जाना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, चेंज नेवी बार पर क्लिक करना है, इसको ऑफ ही रहना है, इसको सेव पर क्लिक करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यू ब्लॉक पर क्लिक करना है, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं नाम। ये देखो फ्रेंड्स, ये नेवी बार भी आपका हाइड हो गया। ये देखो फ्रेंड्स, आपकी रिस्पॉन्सिव वायरल स्क्रिप्ट। आपको इसी तरह से जो सेकेंड एंड थर्ड है वो आप इसी तरह से आप ब्लॉगर पे होस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, आपके सामने मोबाइल फ्रेंडली है एंड आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हैप्पी गणेश चतुर्थी, आप यहाँ पे टाइमिंग दे रहा है, यहाँ से आपका नाम से होगा आपका, यहाँ पे इमेजेस आप एडिटिंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका सब कुछ लिखा है। यहाँ देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड है, आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और आप अदर साउंड भी यूज कर सकते हैं। इसको आपको सुना, साउंड को ऑन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्या है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो वीडियो में कॉपीराइट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से आप एड लगा सकते हैं इस पे। आपको मैंने इसमें बता दिया को आपको कौन कौन से एड नेटवर्क का यूज कर सकते हैं एंड आपको कैसे आपको ब्लॉगर पे होस्ट करना है। एक वायरल स्क्रिप्ट है, पॉपुलर वायरल स्क्रिप्ट है, आप इसको यूज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपको मैंने इसमें आपको एक चीज और बताइए कि आप उसको चेंज करना जरूरी है। क्या होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको ब्लॉगर पे होस्ट करके आप उसको वायरल करते हैं तो आपको पास कोई रिस्पांस नहीं आता, आपके व्यू नहीं आते आपका। आप गूगल एनालिटिक में आप लिंक भी कर सकते हैं तो उसमें आपका कोई रियल टाइम नहीं दिखता। ओके फ्रेंड्स, ये आपका हो गया। आप यहाँ से, अब मैंने जो आपको सेटिंग बताई आप उसको चेंजेस करके वायरल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं ब्लॉगर वर्डप्रेस एंड ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आपके लिए नए नए कंटेंट एंड नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ, इसीलिए रन टेक्निकल यूट्यूब चैनल को रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं और बेल आइकन को, आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।